नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है मेरे चैनल में। व्यूअर्स, आज एक इम्पॉर्टेंट वार्ता लेकर फिर से आया हूँ। आज का वार्ता है जोडैक साइन कैंसेरियन के बारे में। कैंसेरियंस का रोमांस, लव एंड मैरिज और किस प्रकार की डिजीज़ और एनिमीज कैंसेरियंस के होते हैं। व्यूअर्स, मैंने अपने पहले वार्ताओं में कहा था कि कैंसेरियंस वो लोग होते हैं जिन्हें इस ब्रह्मांड का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट मून कंट्रोल करता है। जब मून फुल फेज में होता है तो कैंसेरियंस बहुत क्रिएटिव, बहुत डायनामिक, बहुत पॉजिटिव और नए क्रिएशन क्रिएट करते हैं, और जब डार्क फेज में होता है तो कैंसेरियंस को काफ़ी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये लोग बहुत इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं और डेस्टिनी कितनी भी चोट इनको पहुंचाए, कैंसेरियंस में बहुत ताकत होती है बाउंस बैक करने की। इनका माइंड, मैंने कहा था अपने पिछले वार्ता में, फिकलिंग होता है। ये लोग अपने करेज, डेडिकेशन, इंटेलिजेंस और फेथ के द्वारा बहुत बड़े पद में चाहते हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल प्राचीन टेक्स्ट चिंतामणि चमत्कार भृगु संहिता जातक परिजात का कहना है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है ये लोग बहुत सिंसियर लोग होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में चूकते नहीं। इनका फिलोसॉफिकल और एकेडमिक बैंड ऑफ माइंड होता है। ये समाज में बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी काम करना चाहते हैं। आइए आज प्रकाश डालें कि इनका रोमांस, लव और मैरिज लाइफ कैंसेरियंस का कैसा होता है, हमारे प्राचीन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट क्या कहती है इसके बारे में। मित्रों, मैं बता दूं, कैंसेरियन यानी कि कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा मून, इनके बारे में एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट कहती है कैंसेरियंस फन एंड फ्रोलिक के पीछे भागते हैं और ये लोग इमोशनल लवर होते हैं। इनके लव में यदि कोई बाधा भी आ जाए, ये बॉदर नहीं करते। अगर इनको ये पता चल जाए कि वे जिसको प्यार करते हैं वो उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, उसका डिसप्लेजर है, तो इनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट भृगु संहिता एवं अन्य कहती है कैंसेरियंस अपने ऑपोजिट सेक्स को देखते ही उनके पति इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं। ये लोग डेप्थ ऑफ लव के बारे में पूरी तरह परिचित होते हैं। दे आर द लवर ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स। लेकिन अधिकतर कैंसेरियंस को अपने लव, अपने प्यार को प्राप्त करते हुए देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि कैंसेरियंस का सेक्स के मामले में अर्ली वीकनेस आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव रहता है। चंद्रमा का प्रभाव रहने से कैंसेरियंस का डाइजेशन कमज़ोर पड़ जाता है। डाइजेशन पूर्ण रूपेण एस्ट्रोलॉजिकली टेक्स्ट कहती है मून कंट्रोल करता है। आप अपना डाइजेशन फुल मून में देखिएगा और अपना डाइजेशन डार्क फेस ऑफ द मून देखिएगा, कितना फर्क होगा। इसलिए कैंसेरियंस को भृगु संहिता में एडवाइस दिया गया है कि इन्हें अपना डाइजेशन को बहुत दुरुस्त, तंदुरुस्त रखना चाहिए ताकि वे अपने अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सकें। इनका मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी, बहुत खुशहाली होता है। परिवार में बहुत प्यार और अट्रैक्शन रहता है। इनके बारे में कहा जाता है दे लुक फॉर डायनामिज्म इन लाइफ, दे शो इंटरेस्ट इन अदर्स लाइफ्स एंड वॉन्ट्स अदर्स टू बी इंटरेस्टेड इन देम।
रोमांस और लव एंड मैरिज के मामले में कैंसरियंस बहुत सौभाग्यशाली लकी होते हैं, बस इन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट कहती है कैंसरियंस का हेल्थ मेनली इनके मेंटल मेकअप और जीवन के अप्स एंड डाउन्स पर डिपेंड करता है। अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, काफ़ी चिंता में ग्रसित हैं, तो ये बीमार हो जाते हैं। छोटी सी भी फिजिकल प्रॉब्लम इनको बहुत चिंता में डाल देती है। कैंसरियंस एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट कहती है यदि अपने हेल्थ के प्रति केयरलेसनेस दिखाते हैं तो इन्हें दांतों की प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम और नोज प्रॉब्लम हो जाता है। इनके बारे में ये एडवाइस दिया गया है, दे मस्ट ईट विथ डिस्क्रिशन। इनको प्रॉब्लम होती है इन्फेक्शंस एंड डिजीज कॉज्ड बाय वाटर एंड एयर। अपने चेस्ट और लंग्स का पूरा इनको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस पर मून का कंट्रोलिंग होता है और मून एक बार फुल फेज में होता है और एक बार डार्क फेज में होता है। इन सब के होने के बावजूद भी प्राचीन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट कहती है कैंसरियंस का बहुत पावरफुल इनर स्ट्रेंथ होता है और कोई भी काम वे स्मूथली कर लेते हैं। इनका कोई भी बीमारी इनके लंबे समय तक टिकती नहीं है और ना ही इनका कुछ बिगाड़ सकती है। इन्हें हमेशा सैफ्रॉन का तिलक लगा के बाहर निकलना चाहिए, डायमंड, वाइट पर्ल और टोपाज इनको पहनना चाहिए। इससे जीवन में बहुत तरक्की, बहुत प्रोग्रेस, बहुत हेल्थ में फिटनेस और बहुत ब्राइट चांसेस मिलेंगे। इन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अपने रूटीन को मेटिकुलसली फॉलो करना चाहिए। माइंड में कोई भी टेंशन हो उसको अपने हेल्थ पर नहीं आने देना चाहिए। उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कैंसरियंस को कि मून इन पर विशेष प्रभाव कृपा रख रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे वार्ता आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलेंगे, बाय।